दोस्तों, अब यहाँ के कर्ता धर्ता हम हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है। सो हेलो एवरीवन, अपने जो प्रीव्यू में जो रील्स वीडियो देखा है इंस्टाग्राम पे, इस तरीके का रील्स बहुत ज़्यादा वायरल है। तो अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हो इस वीडियो को देख लो। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पर आ जाना, आपको यहाँ पे सर्च करना है bing.com इमेज क्रिएट, ठीक है। तो आपको ये वाला जो लिंक है इस पर क्लिक करना है, जो पहला वाला लिंक है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करो हेडसेट पे 3 लाइन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आपको साइन इन कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप अगर जब तक साइन इन नहीं करोगे यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना है, जो क्रोम टैब आपको मिल जाएगा, जो भी थॉट्स होगा, जो भी लाइन होगा, मतलब कोड बोल लो, प्रॉम्प्ट बोल लो, आपको मिल जाएगा, कॉपी कर लेना और आपको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको अभी दिखाई देगा योर नेम, सिंपल से आपको योर नेम पे जाना है। योर नेम पे जाने के बाद जो भी आपका नेम है सिंपल से आपको यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिख लेता हूँ, क्या लिखूँ, कोई भी एक नाम लिख लेता हूँ, मान लो मैं अमित लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं करना, बस क्रिएट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्रिएटिंग हो रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, आपका जो इमेज वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आपको 1-2 सेकंड वेट कर लेना है, यानी कि 10 सेकंड में, यानी कि वेट कर लेना है गाइस, ठीक है। जब तक आप लोग इमेज क्रिएट हो रहे हैं ना, तब तक इस वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट कर देना, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही कम समय में आपका जो इमेज है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, इमेज के थ्रू आप लोग वीडियो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे बस क्या करना है, इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे इस इमेज को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे टी डॉट पे क्लिक करना है। टी डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे करना है, डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और आपका जो इमेज है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो नियॉन लाइट वाला इफेक्ट है ना, ये अभी जो नियॉन लाइट रेड वाला इफेक्ट है, ये अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लड़के के लिए। अभी लड़की लोगों के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे ओल्ड बॉय दिखाई देना है। सिंपल से आपको यहाँ पे करना है, ओल्ड बॉय के जगह पे आपको सिंपल से यहाँ पे लिख लेना है गर्ल, ठीक है। और यहाँ पे जो 25 है, सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना है, 22 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका यहाँ पे जो नेम है इसको चेंज कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेहा लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करने से पहले आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देगा एज इफ ही इज एन एंजल, तो आपको ही के जगह पे आपको यहाँ पे शी लिख देना है। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद अभी आपका जो इमेज वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट समझा दूंगा आप लोग इस तरीके का वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो और अपने इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड कर सकते हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रील्स इस तरीके का चल रहा है, वायरल भी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहा है, ठीक है। अभी क्रिएट हो रहा है, बहुत ही कम समय में आपका जो इमेज यहाँ पर क्रिएटिंग मतलब क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक अगर आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरीके का न्यू ट्रेंडिंग लेटेस्ट ट्यूटोरियल वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेहा नाम का यहाँ पे इमेज आ चुका है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इस इमेज को आपको यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इस इमेज को भी आपको यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अरे भाई आ जाओ भाई, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करना है, डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे सिंपल से आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अलर्ट भरना है, ठीक है, क्योंकि इमेज को हम लोग को थोड़ा सा इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको मतलब इमेज को अच्छे से दिखने के लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। अलर्ट विजन ऐप पर आ जाने के बाद प्लस पर क्लिक करना है। 9:16 रेशियो पर क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, जो इमेज है आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। जो भी इमेज होगा आपको ऐड कर लेना है। ऊपर जो ये वाला प्लस, इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर लेना है, ठीक है। नीचे वाले इमेज पर क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, ठीक है। फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एफेक्ट्स पर क्लिक करना है, एड एफेक्ट्स पर क्लिक करना है, ब्लर पे जाना है, गेशियन ब्लर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। अगर आप ब्लर कम करना चाहते हो कर सकते हो, अगर कम करने का मन नहीं है मत करो, ऐसे बैक आ जाओ। ऊपर वाले लेयर पर क्लिक करो, बॉर्डर एंड शेडो पे जाओ, इसका जो स्ट्रोक एनेबल करो, स्ट्रोक का साइज 6 रखो। शेडो पे जाओ, यानी कि थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करो, शेडो एनेबल करो, शेडो को 20 कर दो, ठीक है। इस इमेज को सेव कर लेना है। ऊपर एडवे शेयर पर क्लिक करो, करंट फ्रेम एसपीएनजी पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट करो, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग दूसरा इमेज यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, यानी कि क्रिएट करना चाहते हो, इमेज पर क्लिक करो, कलर फिल पे जाओ, स्टार ऑप्शन पर क्लिक करो, ठीक है। एक साथ यानी कि 2 इमेज आप लोग इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। विकी पे जाओ, विकी बोल रहा हूँ, इमेज पे जाओ और आपका जो भी इमेज होगा इस तरीके से आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। बार बार आपको करने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
शेयर पर क्लिक करो, करंट फ्रेम स्पेंज करो, एक्सपोर्ट पर क्लिक करो, इमेज को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अभी आपके पास कैप कार्ड ऐप होना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग टेम्पलेट यूज़ करेंगे वो कैप कार्ड के मदद से हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और कैप कार्ड ऐप अगर आपके पास नहीं है, जुगाड़ कर लेना, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, फिर भी नहीं कर पा रहे हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना, ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा। और कैप कार्ड ऐप को यूज़ करने के लिए एक VPN का ज़रूरत पड़ता है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा। तो सबसे पहले VPN को कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रोम पर जाना है। क्रोम पर जाने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सर्च करना है हिलिंग कैप कार्ड टेम्पलेट, हिलिंग टेलेंट कैप कार्ड टेम्पलेट सर्च करना है। जो पहला वाला टेम्पलेट आएगा, लिंक आएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपके पास जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये वाला टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। सिंपल से यूज टेम्पलेट कैप कार्ड पर क्लिक कर देना है, सीधा आप रेक करके ये टेम्पलेट पर लेके चला जाएगा। कभी कभी एक क्लिक में हो जाता है, कभी कभी एक क्लिक पे अगर नहीं होता है, आपको यहाँ पे सेकंड क्लिक करना है, तो सेकंड क्लिक पे सीधा ये टेम्पलेट पर लेके आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे यूज टेम्पलेट पर क्लिक करना है। यूज टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद जो फोटोज है, फोटो सेक्शन पर जाना है, और जो फोटो अभी आपने एलर्ट मशीन में सेव किया है, इस फोटो को सिलेक्ट करना है, प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। आपका लोडिंग आएगा, लोडिंग इफेक्ट आने के बाद आपका वीडियो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इस वीडियो को आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे क्लिक करके इस वीडियो को आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। अभी इस वीडियो का जो ऑडियो है वो आपको यहाँ पे चेंज करना है, जो कि आप लोग किसी भी ऐप में कर सकते हो। जो ऑडियो होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, ऑडियो को डाउनलोड करना और इस वीडियो में ऐड कर लेना, आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, फुल स्टेटस वीडियो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस तरीके का और भी अगर ट्यूटोरियल देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।